नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। मैं मेरे गुरुजी श्री बीवी चौहान साहब के श्री चरणों में सत सत प्रणाम करती हूं और आप सभी दर्शकों को भी मैं प्रणाम करती हूं। आजकल सर्दिया का मौसम आ रहा है, मतलब कि विंटर सीजन। मैं तो अहमदाबाद गुजरात में रहती हूँ, लेकिन कई कई जगह पे से ऐसा फोन आने लगा है कि हम एब्रोड में है, बारिश पड़ती है या फिर बर्फ पड़ती है, या फिर जम्मू कश्मीर में है या शिमला में है तो बर्फ पड़ रही है, तो हम कैसा आहार खाए। तो आज का मेरा टॉपिक है सर्दियों में कुदरती आहार। तो कुदरती आहार आज हो या कल, हमें कुदरत का ही आहार खाना है। चाहे ठंडी पड़ती हो तो भी, चाहे गर्मी पड़ती हो तो भी, चाहे रेन पड़ता हो तो भी, समर हो, विंटर हो या रेनी सीजन हो, हमारा प्राकृतिक आहार ही होना चाहिए। मैं एक एग्जांपल दूंगी, जैसे एनिमल्स को भगवान ने ऐसा बनाया है जो बिना कपड़े के सर्दियों में भी घूमते हैं, गर्मियां में भी घूमते हैं, बारिश में भी घूमते हैं। इंसान को रेनकोट पहनना पड़ता है, ठंडी में स्वेटर पहनना पड़ता है, गर्मी में एसी चालू करना पड़ता है, लेकिन एनिमल्स को ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि वो लोग को परमात्मा ने बनाया ही ऐसा है। लेकिन हमें ज्यादा बुद्धि है तो हम स्वेटर बना लेते हैं, हम रेनकोट बना लेते हैं। तो भगवान ने उन लोगों को, मतलब कि एनिमल्स को, इतना शक्तिशाली इसलिए बनाया है कि वो लोग अपने लिए आहार चुनते नहीं है, भगवान ने बना के दिया है वो ही खा लेते हैं। जैसे कि घास खाते हैं, पत्तियां खाते हैं, फल खाते हैं, तो वैसे ही हमारा आहार भी विंटर हो या समर हो या रेनी सीजन हो, हमें प्राकृतिक आहार ही खाना है। तो जैसे समर हो या विंटर हो, गाय तो घास ही खाती है, तो वैसे ही हमें घास नहीं खाना है, हमें बुद्धि से काम करना है। तो हमें प्राकृतिक चीजें ही खानी है, लेकिन उसका जूस बना के पी सकते हो। लेकिन जब पेट खाली होता है और हम पेट में कुछ डालते हैं तो हमें ठंड लगती है, तो हमें विंटर में धूप में बैठना है। अगर आपके यहाँ पे धूप नहीं आती हो तो आप ये जो एनर्जी टी होती है, जो मेरी खुद की प्रोडक्ट है, वो आप यूज कर सकते हो, उसका भी गर्माहा आ जाता है। या तो फिर आप पूरे दिन में फल पे रहो, सलाद पे रहो, जूसेस पे रहो, लेकिन शाम को डिनर में आप बॉईल करके सब्जियां ले सकते हो, बॉईल करके सूप ले सकते हो, वेजिटेबल सूप बना सकते हो, तो आपको गर्मी, ठंडी में भी गर्मी का एहसास होगा। लेकिन अनाज नहीं खाना है, गेहूं, बाजरी, मकाई, मिलेट्स, ये सब है वो हमारा आहार नहीं है। ठंडी पड़ती है तो पड़ जाने दो, एक दिन लगेगी, दूसरे दिन लगेगी, तीसरे दिन हमारा बॉडी है वो यूज्ड टू हो जाता है। जैसे आप चप्पल पहनते हो तो पैर को चप्पल की आदत हो जाती है, लेकिन आपने अगर बाधा ले ली है कि मैं चप्पल नहीं पहनूंगा जब तक एग्जाम में पास नहीं होता हूँ, तो बिना चप्पल के आदत पड़ जाती है। वैसे ही हम तो कपड़े पहनते हैं, हम स्वेटर पहनते हैं, लेकिन लगातार पूरे विंटर में हम जूस पे रहेंगे, हम सलाद पे रहेंगे, हम फ्रूट्स पे रहेंगे और जूस पे रहेंगे, तो बॉडी को भी ऐसी आदत हो जाती है। शुरू शुरू में ऐसा लगता है कि ठंडी ज्यादा है, ठंडी ज्यादा है, लेकिन फिर हमारा बॉडी है वो इनसाइड से गर्म होता है। जूस जो होते हैं वो फ्रिज में रख के नहीं पीने हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पे रखे हैं, रख के पीने हैं। पानी भी मटके का ही पीना है, फ्रिज का नहीं पीना है। फ्रूट है, जूस है, वो जैसे बनाओ, जब भी बनाओ तभी के तभी पी लो, फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सलाद को भी आप फ्रिज में अगर रखा है तो खाने से पहले 10-15 मिनट पहले बाहर निकाल दो, फ्रूट्स को भी 15-20 मिनट पहले बाहर निकाल दो, फिर आप ले सकते हो अपने डिनर में या लंच में। बहुत ही ठंडी लगे तो सूप बना के पी सकते हो, सूप में तज डाल दो, थोड़ा सा मरी डाल दो, थोड़ा सा पेपर पाउडर, मतलब मरी मतलब पेपर पाउडर डाल दो, ब्लैक सॉल्ट डाल दो, लेमन डाल दो,
तो अदरक डाल के बनाओ, ये सब डाल के बनाओगे तो गर्माहट आ जाती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि विंटर आ गई तो हमें ठंड में ये छोड़ देना है। ठंड हो या गर्मी हो, लाइफ अगर अच्छी तरह से जीनी हो तो हमें सिर्फ और सिर्फ प्राकृतिक आहार ही खाना है, जो अपक्व है, जो परमात्मा ने बनाया है। ठंडी लगेगी 5-10 मिनट के लिए, फिर अगर आप माइंड डाइवर्ट कर दोगे तो फिर ठंडी शरीर भूल जाता है। लेकिन आप गर्म खाने की आदत करोगे, चाय पीने की, कॉफी पीने की, लगातार गर्म पानी पीने की, तो बॉडी ऐसी आदतें करता रहेगा। हमें गलत आदत नहीं करनी है, हमें कुदरत का ही बनाया हुआ खाना है। अगर परमात्मा ने एप्पल उगाया है विटामिन डी डाल के, तो वैसे ही हमें विटामिन डी मिल जाएगा। अगर परमात्मा ने मैंगो बनाया है, उसमें भरपूर विटामिन डी डाला है, क्योंकि वो सनलाइट से बना है। कभी विटामिन डी की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी B12 की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी B6 की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी कैल्शियम की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी प्रोटीन की जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी कार्बोहाइड्रेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारे न्यूट्रिशन परमात्मा ने बनाए हैं। कोई भी सीजन हो, हमारी थाली में फिक्स है, परमात्मा का बनाया हुआ खाना है। मैं तो कभी मेहनत करती नहीं हूँ, करने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है स्पेशल भगवान ने मेरे लिए एप्पल उगाए हैं, भगवान ने मेरे लिए पपीते उगाए हैं, परमात्मा ने मेरे लिए अमेरिकन कॉर्न उगाए हैं, परमात्मा ने मेरे लिए कुकम्बर उगाया है, ककड़ी उगाई है, खीरा ककड़ी उगाई है, परमात्मा ने मेरे लिए वाटरमेलन उगाया है, परमात्मा ने मेरे लिए पाइनएप्पल उगाया है। तो अगर मेरे लिए उगाया है, आपके लिए भी उगाया है, तो किचन में क्या बनाने का खाने का, गरम खाके पसीना आएगा और बीमारियां आएगी, एसी करना पड़ता है, हमें स्वेटर पहनना पड़ता है, ये सब भूल जाइए। आप अगर पतले हो तो ठंडी लगेगी, थोड़े दिन में आदत पड़ जाएगी। अगर आप मोटे हो तो भी आपको आदत पड़ जाएगी। आदत सिर्फ इतनी करनी है, या जीते हैं या मरते हैं, पूरी जिंदगी प्राकृतिक आहार खाना है, कुदरती आहार खाना है, नेचुरल डाइट लेना है, जो धरती माँ ने उगाया है। इसकी हमने 100 रेसिपी बनाई है, ये रेसिपी भी आप बना के खा सकते हो। ऐसा नहीं है कि गैस पे गरम करोगे तो ही आपको गरम पेट में गरम होगा और तो ही ठंड लगनी बंद हो जाएगी। कुदरत ने जो भी विंटर में उगाया है वो सारा शक्तिशाली है। कुदरत ने विंटर में कितने फल बनाए हैं, कितने भाजी बनाई है, कितने वेजिटेबल्स बनाए हैं, इसमें से सारे आप प्लांट बेस्ड भी शाम को डिनर में ले सकते हो। जैसे कितनी आपको सब्जी पसंद हो, आलू की सब्जी पसंद हो तो थोड़ा सा हल्का सा बॉईल कर दो, उसके ऊपर मरी डाल दो, उसके ऊपर सिंधव नमक डाल दो, इसके ऊपर लेमन डाल दो, उसके ऊपर चाट मसाला डाल दो, उसके ऊपर थोड़ा सा जो जीरा का पाउडर होता है, धनिया का पाउडर होता है, वो डाल दो, तो ये बॉईल करके आलू भी आप ले सकते हो। ऐसे ही बॉईल करके आप याम ले सकते हो, मतलब कि रतालू। ऐसे ही बॉईल करके आप कच्चे केले खा सकते हो, कच्चे केले भी खा सकते हैं उसको मसाला डाल के। तो विंटर हो या समर हो, ठंडी से डरना नहीं है, हमें डरना है बीमारियों से, हमें डरना है हॉस्पिटल से, हमें डरना है किचन से, हमें डरना है मेडिसिन से, हमें डरना है डॉक्टर से। तो हमें विंटर में चाहे भगवान ने जो भी उगाया है, ठंडी से नहीं डरना है, गर्म पानी भी कभी नहीं पीना है, जब भी पियो प्राकृतिक पानी ही पीना है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? मुझे भी ठंडी लगती है, मैं 2 घंटे धूप में बैठने चले जाती हूँ तो पूरा बॉडी रिचार्ज हो जाता है। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हो, ठंडी से डरने की जरूरत नहीं है, रोटी सब्जी दाल चावल खाने की जरूरत नहीं है, चाय पीने की जरूरत नहीं है, उकाला पीने की जरूरत नहीं है। कुदरत ने बनाया है वो जूस पी लो, 5 मिनट ठंड लगेगी, बॉडी अपने आप एडजस्ट हो जाएगी। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये आप हमें फीडबैक दीजिए।
हमारी वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। और फिर अगर आपको हमें कुछ पूछना हो तो हमें सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में फोन कीजिए। मेरा फोन नंबर है 9824317955। मेरा फोन करने का समय है सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में। थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।